नमस्कार दोस्तों, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टैनिंग गर्मियों के मौसम में होने वाली एक बहुत ही आम सी समस्या है। यदि आप ज़्यादातर समय तक धूप में रहते हैं तो यह प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसमें आपकी त्वचा जो होती है वह जलकर काली हो जाती है और उसका कलर जो होता है डार्क हो जाता है दोस्तों। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इस टैनिंग को घर में ही कुछ छोटे छोटे उपाय, कुछ छोटे तरीके अपनाकर इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ 5 तरीकों के बारे में जानेंगे जिनका उपयोग करके आप टैनिंग को बिल्कुल ही दूर कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, पहला तरीका, आप 2 बड़े चम्मच बेसन, 1 चम्मच गुलाब जल, उसमें थोड़ा सा दूध और चुटकी भर हल्दी मिलाकर आप इसका पेस्ट बना लें और इसे चेहरे व हाथों पर लगाएं। इसे आप सूखने दें। 15 से 20 मिनट बाद आप इसे हल्के हाथों से छुड़ाकर आप इसे पानी से धुल लीजिए। आप ऐसा हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। यह टैनिंग को ठीक करने का बहुत ही आसान और अच्छा तरीका है। दोस्तों, दूसरा उपाय यह है कि आप बाउल में 2 बड़े चम्मच ओट्स, 2 बड़े चम्मच छाछ या मट्ठा को मिलाकर पेस्ट बना लें और इस मिश्रण को चेहरे पर अपने हिसाब से मलें। इसे ज़्यादा तेज ना मलें, आप हल्के हाथों से इससे मालिश करें और फिर इसे ठंडे पानी से धुल लें। दोस्तों, इससे भी आपको टैनिंग में काफ़ी आराम मिलेगा। दोस्तों, तीसरा तरीका यह है कि आप 1 बड़े चम्मच दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आप इसे चेहरे पर लगाएं और थोड़ी देर सूखने पर आप इसे हल्के हाथों से रगड़कर साफ कर लें। दोस्तों, इससे आपकी टैनिंग तो ठीक होगी, साथ ही साथ आपके चेहरे पर चमक भी आ जाएगी और आपके चेहरे पर जो भी दाग धब्बे होंगे वह भी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, चौथा तरीका यह है कि आप आधा कप पका पपीता 1 बड़े चम्मच शहद में मिलाकर इसे चेहरे पर 30 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दीजिए और फिर इसे ठंडे पानी से धुल लीजिए। दोस्तों, यह भी बहुत ही आसान और बहुत अच्छा तरीका है। दोस्तों, आप 5वें तरीके में यह अपना सकते हैं कि आप 3 बड़े चम्मच चंदन पाउडर और थोड़ी सी हल्दी को दूध के साथ मिला लें। दोस्तों, इस पेस्ट को आप प्रभावित हिस्सों पर लगाएँ और सूखने पर आप इसे ठंडे पानी से धुल लें। तो दोस्तों, यह थे कुछ बहुत ही आसान से तरीके जो आपकी टैनिंग के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सकें।